डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंडीजन दिस इज मॉड्यूल नंबर ट्वेंटी फोर एंड वी आर गु टॉक अबाउट साइको डायनापमेंट जब हम साइको डायनाशिप डेवेलपमेंट की बात करते हैं तो देर इज वेरी फेमस कोर्ट विच इज कमिंग फ्रॉम पितागोरस एंड ही सैड दैट मैन नो दाई सेल्फ देन दाउ शल्टो द यूनिवर्स एंड गॉड इस स्टेटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दैट इज सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कि जब आप अपने आप को जान पाओगे तभी आप ये क्लेम कर सकते हो कि आपने खुदा को या दुनिया को या कायनात को वो जाना सो so, एक लीडर को अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस वो क्रिएट करनी है और जब तक उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ऑब्वियसली उसका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल भी वो कम होगा सो देर देर इज अ वेरी फेमस लीडरशिप मंत्रा

ये तमाम काम करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है दैट इज टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन विच वी हैव डेवलप्ड द एनवायरनमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ द फैमिली एंड द कल्चर फैमिली का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो वी आर कंसर्न विद द ब्लड रिलेशन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं उनको हम अंडरस्टैंड करें उनकी अफादियत और इंपॉर्टेंस को समझें बिकॉज अगर हमारी अपनी फैमिली हम पर ट्रस्ट नहीं करती है तो हाउ कैन वी क्लेम दैट द अदर पीपल आउटसाइडर वुड बी देयर टू ट्रस्ट अस तो देयर मस्ट बी समिंग जिसको कि समझना हमारे लिए जरूरी है दैट हाउ वी डिवेलप हाउ वी थिंक हाउ वी को रिलेट द फॉलोअर्स प्रस्पेक्टिव सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द कल्चर कि हम किस माहौल से ताल्लुक रखते हैं आया वो कल्चर कोलेक्टिविज्म का है कि इंडिविजुअलिज्म का है आया वो कल्चर फेमिनिस्ट अप्रोच को फॉलो करता है कि मेस्कुलन अप्रोच को फॉलो करता है वहां पर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है कि शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है सो so, हमें कल्चरल प्रस्पेक्टिव में चीज़ों को सोचना है वहाँ पर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कितनी है हमें इस बात को समझना है वहाँ पर पावर डिस्टेंस कितना है हमें इस बात को समझना है सो द प्लेस वी बिलोंग टू द एन्वायरमेंट जिसमें हम परवान चढ़े जिसमें हम डेवलप हुए जहाँ पर हमारी नशोनुमा हुई ये तमाम चीज़ें हमारे साइकोडाइनामिक प्रस्पेक्टिव में फॉलोअर रिलेशनशिप के साथ एसोसिएटेड होंगे और जब तक हम अपनी जात को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम दूसरों को अंडरस्टैंड वो कर सकते हैं देर फोर इट इज इन द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कि एक शख्स के जो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके जिंदगी के जो वाकयात हैं जो एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स हैं वो उसको मुरतब करते हैं और वो उसकी जात उसकी पर्सनैलिटी उसकी सोच और फिक्र इन तमाम चीजों पर असरअंदाज वो हो रहे होते हैं और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब एक लीडर अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहा है सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है तो उसको अपने लाइफ के क्रिटिकल इवेंट्स को भी देखना है कि लाइफ में उसके कौन कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जो टर्निंग पॉइंट्स उसके लिए प्रूव करते हैं कि व्हाट वुड बी हिज और हर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन साइकोडायनामिक डेवलपमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट को जब हम आपस में कोरिलेट करें तो देर आर सर्टन थिंग्स वी नीड टू लुक एट द फर्स्ट पॉइंट इज के एक लीडर को अपने आप को डिफ्रेंशियट करना है दूसरों से उसको अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को जानना है उसको अपने पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसेस को समझना है और जब तक एक लीडर अपने आप को दूसरों से डिफ्रेंशियट नहीं कर पाएगा वो लीडरशिप कहला नहीं लीडरशिप कॉन्टेक्स में अपने आप को लीडर कहला नहीं पाएगा द सेकेंड थिंग इज सेकोडमिक अगर हम एनालिसिस की बात करें तो उसमें उसको एक एनवायरमेंट क्रिएट करनी है ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सोशल नेटवर्क्स जहां पर होप ट्रस्ट डिपेंडेंसी वो मौजूद हो और डिपेंडेंसी की भी जो बेहतरीन शक्ल हमारे पास अवेलेबल है दैट इज इंटर डिपेंडेंसी बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट हर किसी के पास कोई ना कोई ट्रेड ऑफ है हर किसी के पास कुछ ना कुछ कंपिटेंसी प्रोफेशनसी हैं जिनको वो यूज कर सकता है की अचीवमेंट के लिए सो so, उसको एक इंटीग्रेशन क्रिएट करनी है अपने फॉलोअर्स के साथ द थर्ड थिंग इज द थर्ड इनग्रीडियंट इज दैट उसको सेल्फ नॉलेज होना चाहिए और उसको अपने अंदर पाए जाने वाली कमियों कोताहीयों का भी पता होना चाहिए उसका एक्सपोजर किन किन कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स के साथ है उसको इस बात का भी इतराक हो देन द लीडर Should be able to generate 360 degree feedback, जहां पर वो अपने बॉस से, अपने सबॉर्डिनेट से अपने कोलीग से अपने अदर स्टेक होल्डर से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि वट दे थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और यहां पर हम एक लीडर को एज ए मैनेजर कंसिडर कर रहे हैं अब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स अपने कस्टमर्स अपने क्लाइंट्स अपना अपने बॉस अपने डायरेक्टर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अदर स्टेक होल्डर्स उनके साथ तमाम के साथ एसोसिएटेड हो और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे ताकि ये जान पाए कि कहां पर वो सही था और कहां पर वो गलत था द फिफ्थ इंग्रीडियंट इन द लीडरशिप डेवलपमेंट वी हैव इज बेसिकली गोइंग थ्रू एक्शन लर्निंग जहां पर हम चीजों को एग्जीक्यूट करके चीजों को सीख पाते हैं जहां पर हम कंडीशन एंड कंस्टेंट्स का एनालिसिस कर पाते हैं जहां पर हम ये बात जान पाएंगे कि किन किन एक्शन से कौन कौन से रिजल्ट हमारे क्रिएट वो हो रहे हैं और वही रिजल्ट हमारे लिए आगे चलकर एविडेंस का सबब भी बनेंगे जिस एविडेंस को हम यूज करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अब जब हम क्लिनिकली ओरिएंटेड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें पीयर प्रेशर्स को समझना बहुत जरूरी है हर हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हैं उसके कुछ हालात और वाकत हैं उसकी कुछ जरूरियात हैं सो so, उन तमाम परस्पेक्टिव में एक ग्रुप में जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो वट आर द प्रेशर एंड कंडीशन क्रिएटेड उन तमाम को समझना एक लीडर के लिए जरूरी है और जब हम वर्ड क्लिनिकली का वर्ड यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमें क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव असैसमेंट्स में वो जाना होगा लाइकवाइज आपको बिहेवियरल शिफ्ट्स को भी समझना है

और सोशल इंटेलिजेंस का सहारा लेना है उसको सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों के साथ अपने आप को एसोसिएट करने का तरीका वो भी समझना है और यह भी सोचना है कि अगर मेरी अपनी ज़ात की डेवलपमेंट मेरे माजी पर मुनहसर है तो दूसरों की जो सोच है वो भी यकीनन उनके माजी उनके इन्वायरमेंट उनकी फैमिली के साथ एसोसिएटेड वो होगी अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सम टाइम्स वी नीड टू फॉलो द अप्रोच ऑफ टोटल ह्यूमन जिसमें हम ये देख पाते हैं कि कोई भी शख्स सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप नहीं कर रहा उसकी सोशल एसोसिएशंस भी हैं उसका एक पास्ट हिस्ट्री भी है उसकी अपनी कुछ डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स भी हैं तो इन तमाम बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है थैंक यू